देश का सबसे पैसे वाला आदमी ये जो नंगा नाच पैसे का कर रहा है ना, और ये जो नंगा नाच करके दिखा रहा है, ये बहुत घटिया हरकत है अंबानी जी आपकी। हरियाणा में 10 लाख छोरे तेरे छोरे थे सुथरे, 20 लाख मतलब महिला तेरी लुगाई तो तेरी बहुत है सुथरी। हरियाणा ही बताऊं, इस देश में तो करोड़ों हैं। अरे ये कोई नेता पिता कोई को ना बोला इन बाता भाई, 1.5 करोड़ रुपए एक वा के नाम था उसका, राणा के थी वा राणा है के नाम का राणा, वह एक नचाई है तमने। अरे एक बात तो मोदी जी तो ये कहे हैं कि अपने देश का पैसा देश में रहना चाहिए, कोत अनोन पनोन बराना के नाम है, 82 करोड़ उसने दिए, 70 करोड़ राणा दिए, 150 करोड़ रुपये मैं 1500 इंडिया के कलाकार ना रख लेते रहे तमें, 1500 कलाकार आवे उड़े सारे सुतरे उन तय उड़े आना तय सुतरे मारे आड़े सपना रही प्रांजल रही हरियाणा की बता, और रही इतनी कलाकार बतेरी कलाकार है नरी कलाकार है, और पूरे देश में गुजरात में कलाकार की कमी थी, क्या की कमी थी? ये जो नंगा नाच पैसे का तेरे द्वारा होगा रपिया हम ना कहते मारते दे और किसे दे, लेकिन इस देश के अंदर अपने कोई छोरे का ब्याह करे अपनी छोरी का ब्याह करे है उस पर कर्जा हो जाए, जमीन बेचनी पड़े है उसने। अरे तुम मोदी की ना मानना था तो उसकी मान ले, तम गांधी जी की, गांधी जी ने देखी सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी की गुजरात पे आवे है वो तो उनकी मान लेता गांधी जी की, भला वो बोला हाथी पाला उसका छोरा, अरे सारा देश पशु पाला, सारा देश पशु प्रेमी है, हम पालन लाग रहेगा दुनिया भर की गौशाला रही उनमें लोग सेवा करने लाग रहे, गौशाला पालन गौवा ने पालन लाग रहे, हाथी पाला हाथी का बच्चा, बोला हाथी के बच्चा ने पाल, हाथी का बच्चा क्या है ने पालता, मतलब हाथी मतलब ना पाला अच्छी बात है, हम नू ना कहते ना पालना चाहिए, लेकिन ये जो नंगा नाच पैसे का करा जा रहा है। अच्छा एक दो था मध्य खुदा किसान आंदोलन बड़े उछल कूद करे थे, उड़ा नचनी उड़ा नाचन लग रहे थे, अरे उस उसकी के सारे नाचन थे, बोला ये खान, बोला खान और पान और चान और पान सारा जब कुछ नाचे था, नाचो भाई कोई बात ना, अरे कोई तो कह नहीं आओगा उसने यो नंगा नाच मत ना करा, इस देश के 80 करोड़ लोग मैं ना कहता सरकार का है नाज, सरकार का नाज खावे हैं, सरकार को नाज देना पड़ रहा है इस देश के साथ जो ये मजाक हो रहा है ना। अरे ये जो कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बोल रहा, कोई पत्रकार, पत्रकार जावे हाँ जी हाँ बताइए आप कैसे, हाँ हाँ बताइए कैसे कि, उसका खिचड़ी खाते आपकी खिचड़ी हाँ माल बता अनंत जी बताइए, अनंत जी बताइए लड्डू खवाता हूँ, लड्डू खवावे गदी खा। अरे एक बात बताओ क्या कहा के मतलब मजाक बना रहे हो इस देश का, और कोई बोलो नहीं यानी क्योंकि अंबानी सारे को देखा यो माल, आज मेरे तेने बोला मेरा भी ब्याह करा, और अंबानी ये छोरे ही डाला करा, क्यों कितना करा था भाई बताओ, मेरे तक है मैं आप छोड़े अंडू, बोला बाबा जी बोला घेरी है बाबा जी तो आप छोड़े अंडे है, लेकिन बात है जो असली बात है जो बहुत गंभीर है, न्यू बताओ 1500 करोड़ रुपया लग गया प्री वेडिंग, अरे लोग ये तो ब्याह भी ना होया है, बोला 1500 इस देश के अंदर गुजरात के अंदर मिड डे मील के अंदर ही 993 करोड़ रुपया बजट है, हरियाणा का बजट 350 करोड़ है मिड डे मील का, लाखों बालक एक साल तक खाना खावे हैं, अरे जिस देश के अंदर लोगों को खाने के लाले हो हैं, और उस देश में 1500 करोड़ की शादी, जिस देश का प्रधानमंत्री न्यू कहने लग रहा है सादा शादी करो कम खर्चा करो पैसे मत लगाओ, वो 150 करोड़ रुपये दो रहे राणा के नाम था वो है वोन पवन, उसते सुथरा उसते सुथरी ते कलाकार हमारे हरियाणा में है, अरे हरियाणा में नहीं गुजरात में ही पा जाए, राजस्थान इस देश में यूपी बिहार कितने की तम न भाई आड़े कलाकार मुंडी लगी आत्मनिर्भर भारत, अरे थोड़ा थोड़ा कलाकार है आत्मनिर्भरता को ना क्या के वो करोगे, तुम प्रधानमंत्री की नहीं मानते, राष्ट्रपिता मोदी इसको गांधी जी को कहा जाता है उसी गुजरात का उसने नहीं मानते, बताओ। और जब हमने तक तड़के कही दिया हम तल्ला ही आओगे,
तुमने फेसबुक डाउन कर दिया, कर देने ने फेसबुक वाले, ओ सतर मुर्गे कर इसने बंद करती, एक साल तक कर तू खा के उड़ा छोले भटूरे हलवा पूरी अंबानी के छोरे ये ब्याह में ईब तू इसने बंद करेगा। अरे शरम आनी चाहिए इस देश के अंदर, मतलब थार दौरे 2 रुपया हुआ तो उस पैसे की नुमाइश करोगे के? अरे जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, जिन लोगों की छोरियां का ब्याह करना, उसके माँ बाप के क्या सोचा है रे? कर्जा ले है, कोई अपनी जमीन बेचे है, कोई कुछ करे है। पीछे से एक खबर आ रही थी अक्स शादियों में, अरे हाँ एक मिनट और सुन भाई, मेरा ब्याह था, मेरा 7 जन्म तो चल रहा ना, 7 साल चल रहा था, 1 रुपये का दहेज नहीं लिया था, 1 रुपया कोई कह देगा 1 रुपया दहेज लिया था, और कोई फिजूल खर्ची नहीं करी थी, कोई हवाबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं करा था, अनाथ आश्रम में जाकर शादी करी थी, अनाथ आश्रम में खाना खिलाया था। कदे नहीं सोचते हो भैया अग मन ने तो उस तरह कर रखी है, मैं बिल्कुल इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, सीधी बात है। अग जो माँ बाप के ऊपर इस चीज का प्रेशर बनता हो, तेने अपने छोरे का ब्याह करना है, छोरी का ब्याह करना है, और इतने रुपये कितने लाओगा, किस लिए बोझ डालो हो रहे? और जिन लोगों को ये एक उदाहरण पेश करना चाहिए, अगर आज अंबानी के छोरे की ब्याह सुना, मुकेश अंबानी होगा दुनिया का देश का बड़ा उद्योगपति पैसे वाला, अगर अपने छोरे का ब्याह तू सिंपल करे, तू पूरे देश का भंडारा कर देता, लेकिन सिंपल करे तो लाखों करोड़ों लोग इस बात ने कहे, अगर देश का सबसे अमीर आदमी है वो इतने सिंपल तरीके से शादी कर लिया, थारे के जोर पड़े है, ईब के होगा सब, क्योंकि भाई 5-10 करोड़ तो है देश में पैसे वाले, प्री वेडिंग करो फिर वो क्या होगा, अब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपना गुजारा कर रहे हैं, 20-30-50 करोड़ रुपए मतलब लोग और हैं, वे उनके बालक भी कहेंगे मम्मी मैं भी, पापा मैं भी, प्री वेडिंग होगी पहले तो, अब भला फिर वैसी होगी, फिर वैसी होगी, जो गरीब आदमी है फिर उनके भी बालक देखेंगे, सारे सोशल मीडिया पे सब क्या पे गए, अरे भला ये देखो भला ये हाथी पालता, हाथी पाल नारा है कि क्या है भाई, वो क्या हो गया, के मतलब उसने कारगिल फतेह कराया, अरे 15-17 करोड़ रुपए उड़े ब्याह में लाया, देश में जो शहीद हुए उनके बड़का ने अच्छी स्कूली एजुकेशन देते, 2 लाख छोरियां का ब्याह हो जाता गरीब छोरियां का, लोग उसमें गुड़गांव है कहां पर बहुत बढ़िया काम कराया, एक बहुत गलत उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया है कि मन रहे हैं भाई, मतलब मैं मन्नवा पोस्ट डाल ली उससे कई जने तो नहीं बोला तन्ने की प्रॉब्लम, मन्ने कोई प्रॉब्लम ना है, मन्ने को ब्याह करवाना अंबानी को ब्याह करवाना ना, मन अंबानी के रुपये चाहिए। सवाल इस बात का होता है कि एक समाज के अंदर आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, मन्ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 5,000 करोड़ रुपये लावे, चाहे 10,000 करोड़ रुपये लावे, लेकिन इस देश के अंदर गुजरात के गांधी जी ने कही सादा जीवन उच्च